सलामेकुम मैं हूं मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ और आज हम आज अपना लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट डिस्कस करेंगे आज का कर सेशन शुरू करते हैं और ये सेशन इसको हम लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट कहेंगे तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर

और वो आपने लास्ट लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा काफ़ी डेप्थ पे गए हम गए और इसका जिक्र हमने अपने शुरू के लेक्चर्स के दौरान भी देखा था जब हम जॉब पढ़ पढ़े थे सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अवर जॉब एनालिस जॉब वेल्यूशन पार्ट ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट दी हाउ टू क्रिएट द वर्थ ऑफ ए जॉब उसके कुछ मैथड्स पढ़े थे हमने रैंकिंग मैथड था क्लासिफिकेशन मैथड था फैक्टर मैथड था पॉइंट मैथड था एंड सो ऑन और फिर उस बेस पे आप क्लासेस बनाते हैं ग्रुप्स बनाते हैं ग्रेड्स बनाते हैं यू डिटर्मिन वर्थ ऑफ एनी जॉब और उसकी बेस पे फिर आप अगला काम जो अगला स्टेप होता है दैट इज इस दैट जॉप कि इसकी वर्थ क्या होगी और उसी के बेस पे फिर आप देन यू डिसाइड अबाउट द कम्पनसेशन एंड देन कॉल इट इट ए इट इज ए कॉम्पनसेशन सिस्टम इट कम्प्लीट सिस्टम वर्किंग एन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग मीन डिवेल्पिंग ए पे स्केल बेसिकली पे सिस्टम जिसे कहते हैं आप and that is if somebody is working for you what in the return he or she will be getting and how you will decide then what will be the parameter what will be the criteria that he or she will be getting such amount of money plus other benefits <laughs> आफ्टर प्राइसिंग आफ्टर वैल्युएशन ना हाउ यू विल डिवेल्प दी कम्पन्शन सिस्टम हाउ यू विल डिसाइड अबाउट दे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं ऑर्ग्नशन को नेक्स्ट मूव इस मॉडल को जरा गौर से देखिए स्टार्टेड विद जॉब एनालिसिस येस उसी का आउटकम क्या निकलता है उसी के बेस पर आप जॉब वैल्युएशन करते हैं और जॉब वैल्युएशन के बेस पर आप अपनी आर्ग्नेशन के लिए पे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आप और पे स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं आप उसके बे पे उसके बेस पे देन यू डिसाइड कि हु विल गेट व्हाट एंड हाउ मच जब पे स्ट्रक्चर बन जाता है देन विल डिसाइड अबाउट द इंडिविजुअल पेल इंडिविजुअल रिवॉर्ड आज कहना चाहिए कॉम्पनसेशन नल्सो वेरी इवन विद इन द सेम ग्रुप सेम क्लास सेम ग्रेड एंड देयर द परफॉर्मेंस द्लेजर इज ऑल्सो प्लेंग द वाइट रोल क्योंकि उसी के बेस पे तो आप किसी को सैलरी को इंक्रीज करेंगे किसी को कम करेंगे वो जो एनुअल इंक्रीमेंट्स होती हैं सैलरी के अंदर कि जब आपने एक साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो आपको अगला जो वो ब्लॉक में जितनी आपकी इंक्रीमेंट बनती वो मिल जाएगी अब वो ज़रूरी नहीं है हर एक को मिले बट अगेन यू कैन जस्ट स्टॉप बाई नथिंग यू हैव टू जस्टिफाई इट अगर किसी को इंक्रीमेंट लगनी है या उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इवन देनी है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी वो जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगी आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से मिलेगी और अगर किसी को नहीं देना इंक्रीमेंट या रोकना है उसका इंक्रीमेंट अगेन दैट विल बी जस्टिफाइड थ्रू दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल और इस सारे से आपकी पे पॉलिसीज़ जो है उसके बेस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड सी हाउ एवरी थिंग इज लिंक विद वन एन अदर टू गिव यू लेट्स स्टार्ट आवर कंपनसेशन सिस्टम टॉपिक

तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है पे इज ए स्टेटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय बाई होम एन एम्प्लॉयर नाउ हाउ कैन दैट एम्प्लॉयर डिसाइड अबाउट द वर्थ अगेन रिमेंबर द प्रीवियस प्रीवियसिंग बेस्ड ऑन जॉब वेल्युएशन बेस्ड ऑन दर्फॉर्मेंस द एंप्लॉयर हैजू डिसाइड दर्थ ऑफ द एम्प्लॉज सो दैट विल बी हेज आर हर पे राइट तो क्या यह क्या हुआ ये वो वर्थ है जो एंप्लायर की नजर में आपकी है अब दुनियावी लिहाज से वर्थ की हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हाउ मच दे आर पेइंग यू दैट इज योर वर्थ राइट ये तो एंप्लायर की नजर में पे की डेफिनेशन uh, हुई या वट ही और शी इज थिंकिंग अबाउट पे व्हाट एवर वट अबाउट द सो दैट इज द सेकेंड पार्ट पे इज ए परसेप्शन ऑफ वर्थ बाई एन एम्प्लॉयज नाउ वट एम्प्लॉयज फील अबाउट हिज आर हर वर्थ ये उसकी पे डिटर्मन करेगी ये बत, ये उसकी नज़र में पे होगी आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा किसी दोस्त को कहते हुए किसी साथी को कहते हुए किसी बड़े को कहते हुए कि मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे पे मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी आई डोट वॉन्ट टू जॉइन दैट जॉब बिकॉज देर ंग मी लेस तो अब उसकी नजर में भी उसकी वर्थ जो है उसको जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम पे कहते हैं नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग वी टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मॉडल तो किताबों के अंदर इस तरह के मॉडल आपको नजर आएंगे तो वो एक देखे रिवार्ड इज प्लेइंग और दिस फाइनेंशियल कंपनसेशन इज प्लेइंग द दिवेटल रोल द सेंट्रल पार्ट हे बट रिमेंबर दिस इज नॉट द ओनली थिंग लेकिन क्योंकि इस वक्त हम रिवार्ड और फाइनेंशियल कंपनसेशन और पे जो बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली इसको फोकस करके थोड़ी सी बात को समझते हैं नाव ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर आर एच आर प्रिपेयर द स्ट्रेटेजीज अबाउट द पीपल वर्किंग इन दर्गनाइजेशन अब इनका मेन फोकल पॉइंट क्या है उनकी एक्टिविटीज़ क्या है टू अट्रैक्ट पीपल टू सेलेक्ट दैम टू एंगेज दैम मीन डिवेल्प दैम ऑफकोर्स एंड रिटेन दैम के कुछ लेक्चर में इसकी जगह मैंने एक लफ्ज कीप दम भी बोला है तो इट्स इन द सेम सेंस लेकिन ये सारी एक्टिविटीज के लिए देखें कि रिवार्ड इज द सेंटर रोल कीपिंग अदर थिंग लाइक इनवायरमेंट ऑफ द वर्क द टीम एंड अदर थिंग्स तो लोग ज्यादा उस अदारे की तरफ जाएंगे जहां पर अच्छा रिवार्ड मिलेगा उनको उस जगह ज्वाइन करेंगे जहां पर उनकी बेटर कंपनसेशन होती है बट रिमेंबर वी आर कीपिंग अदर थिंग एंड दे विल स्टे विदेशन वेयर देयर कंपनसेशन इज एट अप टू द मार्क और उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर है और अल्टीमेटली फिर ये सारी चीजें उसके लिए उनारों के लिए उन ट्रांजेक्शन के लिए डिजायर रिजल्ट अचीव करने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं इंप्लाइज कंपनसेशन को फिर लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं दिस इंप्लाइज कंपनसेशन रेफर्स टू आर फॉर्म पे आर रिवार एंड ऑल दीज रिवार्डस कॉम्पनसेशन में जिसमें बात कर रहे हैं सैलरीज वट एवर बेनिफिट एंड दे आर गोइंग टू एम्प्लॉयज और कहां से आ रहे हैं ऑफकोर्स फ्रॉम एम्प्लॉय साइड सो कॉम्पनसेश कॉम्पनसेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम बात उन सारी इंसेंटिव के उन सारे बेनिफिट्स के कर रहे हैं जो एम्प्लॉज को मिलते हैं और एम्प्लॉयर की तरफ से मिलते हैं उसको ट इज कंपनसेशन ठीक है आगे क्या है और अगेन इसके इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट दैट कैन बी डायरेक्ट फाइनेंशियल और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट एक तो ना कि आपको पे चेक की शक्ल में सैलरी की शक्ल में मिलता है आपको फिर कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं ऑफकोर्स उन पे पैसा तो लग रहा है इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का आपके एंप्लायर का लेकिन आपको काइंड की शक्ल में मिल रहा है पैसे की शक्ल में नहीं मिल रहा है लाइक like, आपको गाड़ी मिल जाती है हाउस मिल जाता है रहने के लिए एंड सो ऑन ये आगे हम आगे डिस्कस करेंगे सो वैन वो टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन इसकी बेसिस क्या है जब हम सैलरीज की बात करते हैं आप लफ्ज सुनते हैं वेजेस सैलरीज ये सारी चीजें या इंक्रीमेंटल सैलरी कहते हैं परफॉर्मेंस बेस कहते हैं तो ये छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं इनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चलता हूँ ताकि चीज़ें अभी से क्लियर होनी शुरू हो जाए आपके साथ इंक्रीमेंट्स ऑफ टाइम कितना टाइम आपने यूज़ किया उसके बेस पे आपको या तो आवरली बेसिस पे पैसे मिलते हैं जिसको हम वेजेस भी कहते हैं या फिर आपको सैलरी मिलती है जो वीकली बेस पे भी हो सकती है ट्वाइस ए मंथ भी हो सकती है मंथली बेस पे भी हो सकती है एंड ऑफकोर्स परफार्मेस पे भी हो सकती है दैट इज पीस वर्क बेस पे कमीशन बेस पे होता है ये कमीशन कैसे होता है किलूल जनरेट देशन सर्टन पोर्शन ऑफ दैट एज योर कमीशन अमून आप देखते हैं इंश्योरेंस वाले हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर जो मेडिसन वगैरह का बिजनेस करते हैं या मार्केटिंग के लोग जो होते हैं उनके साथ कमीशन का कुछ हिस्सा डिसाइड होता है अगेन इट इज उसकी भी हर एक रीज़न होती है कि आपके अंदर थ्रस्ट रहे आपके अंदर मोटिव मोटिव रहे कि जितना ज़्यादा काम जितना ज़्यादा बिजनेस लेके आएंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा ये पीस वर्क का मतलब क्या था पे इज टाइड डायरेक्टली टू वट दी वर्कर प्रोड्यूस लाइक इन ए प्रोडक्शन यू नाइक लेट्स सी के वो गारमेंट्स की कंपनी में कोई काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जितने पीसेज आप बनाएंगे उसके मुताबिक आपको कंपनसेशन होगी इसको पीस वर्क बेसिस ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं दूसरा जैसे मैंने आपसे कहा था वेजेस और सैलरीज इनको हम आपस में मिक्स करते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क भी है वो फर्क क्या है वेजेस वी कॉल इट जनरली रेफर्स टू आवरली कंपनसेशन पेड टू द ऑपरेटिंग एम्प्लॉइज द बेसिस ऑफ वेजेस इज टाइम आवर्स आपने जितना टाइम आपने लगाया उस पर उतना आपको पैसे मिल जाएंगे सम टाइम पीपल हैव फिक्स ओके यू हैव ट्वेंटी ट्वेंटी आवर्स पर वीक परमिशन टू वर्क या आप काम करें जितने घंटे आप कंप्लीट करेंगे उतने आपको पे मिल जाएगा इसको वेजेस कहते हैं मोमो और इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ें तो हम सैलरी कहते हैं दैट इज़ द इनकम दैट इज़ पेड एंड एन इंडिविजुअल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये फ़िक्स होती है और इसके मुख्तलिफ तरीक़े हमारे यहाँ तो मंथली बेस पे ये सैलरी मिलती हैं लेकिन कुछ इधारों में इवन अदर कंट्रीज में आप जब बात करते हैं तो दे कैन हैव द वीकली पेमेंट सिस्टम दे कैन हैव द बाई मंथली पेमेंट सिस्टम अगेन इट इज द कन्वीनियंस वट इज टोटल कंपनसेशन वी आस्किंग समबाडी दैट दिस विल बॉडी दैट दिस विल बी योर टोटलेशन उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कंपनसेशन ऑफ एनी एम्प्लॉज कैन बी डिडेड इंटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज वी कॉल दैम इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक जो है आपका रिवार्ड्स जब हम एक्सटेंसिक की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी जो फाइनेंशियल रिवार्ड्स हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड जिनको कहते हैं उसमें वही वेजेस का भी जिक्र हो सकता है सैलरी भी आ सकती है इसके अंदर यू कैन हैव द बोनस कमीशन पे इंसेंटिव किस्में हैं इसकी और इनडायरेक्ट में क्या आता है इंश्योरेंस है रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जैसे हमारे यहाँ पेंशन का सिस्टम होता था पेड वोकेशन है फूड सर्विसेज है क्रेडिट की जो लिमिटे कुछ आपको दी जाती हैं अपॉर्चुनिटीज रिक्रिएशन के लिए आपको ट्रिप पे भेजा जाता है विद पेड लीव्स ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन में आता है रिवार्ड में आता है व्हाट अबाउट इंट्रेंसिक इसके अंदर रिकग्निशन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिवार्ड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज वर्किंग कंडीशंस इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हुआ एंड रिमेंबर वन थिंग व्हेन वू आर टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन डोंट जस्ट थिंक दैट मनी इज द एवरीथिंग नो बट अगेन इट डिपेंड व्हिच लेवल यू आर हमारा आगे एक लेक्चर आने वाला है जिसमें हम पैसे को मनी को परफॉर्मेंस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि उसने क्या रोल पैसा प्ले कर रहा है मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट बट समाइम दिस इज नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट द ओनली फैक्टर बट अगेन किस लेवल की बात करते हैं अगर तो इनिशियल लेवल पे है बेसिक नीट जिनकी पूरी नहीं हो रही तो ऑफकोर्स मानी इज वेरी इंपॉर्टेंट देअर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि समाइम इवन द स्माइल ऑफ योर बॉस इज एन अफ बिग बिग रिवार्ड वो जो आपको आगे थपकी लगा देते ना आपके उसके बुजुर्ग आपके पेरेंट्स वेल डन उसकी इतनी वैल्यू है जो शायद पैसे से ना हो सके तो वेन वी आर डीलिंग विदीपल वो है टॉकिंग अबाउट द रिवर्ड सिस्टम टॉकिंग अबाउट द कंपनसेशन एंड मोटिवेशन वी शेड नॉट ऑनली कंसेंट्रेट ऑन द डायरेक्ट फाइनेशियल रिवार्ड थिंक बट वी शूड ऑल्सो सी समू जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रिक्शन इट से जब आप टॉप करते हो तो आपको एक मेडल मिलता है अब उसकी फाइनेंशियल क्या बर्थ होगी आपको एक पीसा पेपर पर एप्रिसिएशन लिख के दी जाती है अगर उसको पैसे के हिसाब से तोड़ें तो कितनी वैल्यू होगी मे बी नन बट सारी जिंदगी आप उस पर प्राइड फील करते हो सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल कंपनसेशन सो इट कंप्राइज अपनी जिसे हम बेनिफिट्स भी कहते हैं और ये हमारा अगला टॉपिक भी होगा नेक्स्ट लेक्चर का एंड इफ समबडी इज नॉट सेटिस्फाइड विद सो वट विल बी द आउटकम

नो डाउट ही आर शी मे बिहेव लाइक डिफरेंटली वो स्ट्राइक पे चला जाएगा अगर नाराज रहेगा हर वक्त आपसे ग्रेविसेस आप शिकायतें रोज़ लिखना शुरू कर देगा आई एम नॉट हैप्पी विद माई सैलरी आई हैव बिन चीटेड और वट एवर एंड ही आर शी माइट स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर जॉब्स दे माइट बी थिंकिंग थीकिंग दिस इज नॉट द राइट प्लेस इन्होंने मेरी वर्थ को सही कंपनसेट नहीं किया तो मुझे कहीं और जाना चाहिए अगर ये सारा कुछ है वो स्ट्राइक पे जाता है या ग्रेविसेस बताते हैं या आगे कहीं और जॉब की तलाश में है तो उसका आउटकम क्या निकलेगा छुट्टियां बहुत होनी शुरू हो जाएंगी एबसेंटेशन एंड ऑफ कोर्स टर्नओवर रेट विल बी हाई एंड यू नो व्हाट इज टर्नओवर राइट बड़ी दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं ना व्हाट इज टर्नओवर टर्नओवर इज बेसिकली दैट हाउ मेनी पीपल आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन तो क्या अच्छी बात है बुरी ऑफ कोर्स इट इज बैड ऑन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट अगर लोग आते जाएं और जल्दी छोड़ के जाते जाएं तो क्या होगा ऑफ कोर्स इसका एक तो कास्ट पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की बार बार उनको इंटरव्यू करने पड़ेंगे सिलेक्शन करने पड़ेंगे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मार्केट में भी उनका एक बैड रेपुटेशन बनेगी यार वहां कोई लोग टिक के काम नहीं कर सकते आई डोंट नो व्हाट इज रंग देर तो ये जब पे की ज़्यादा डिज़ायर लोगों के पास या उन्होंने ये समझा कि शायद उनको पूरी अच्छी सैलरी नहीं मिलनी ज़्यादा मिलनी चाहिए उसका आउटकम क्या होगा कि लोग छुट्टियां करना शुरू हो जाएंगे इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपने काम में और भाने बहाने से वो एब्सेंट रहना शुरू हो जाएंगे और मीन वायल दूसरी कहीं अच्छी जगह नौकरी दे के चले जाएंगे सिमिलरली इफ दे आर सेटिस्फाइड इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद पे सो उनके लिए वहां अट्रैक्शन कम रह जाएगी वो समझेंगे शायद हम एहसान कर रहे हैं इस अदारे के ऊपर जब उनकी अट्रैक्टिवनेस कम रह जाएगी तो फिर क्या होगा ऑफकोर्स दिन वन आउटकम विल बी यस टर्न ओवर वो कहीं छोड़ के कहीं और चले जाएंगे और जॉब से अपनी से भी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और छुट्टियाँ भी उसी तरह वही करने शुरू हो जाएंगी जब आप अपने जॉब को इंजॉय नहीं करते उससे सेटिसफाई होते हैं तो क्या होता है उसका इफेक्ट उसका आउटकम क्या निकलता है देन यू कैन हैव साइकोलॉजिकल विथड्रॉल मीन यू टेक यू डोंट फील लाइक वर्किंग देयर लिथार्जिक्स है बिहेवियर आपका हो जाएगा एटीट्यूड हो जाएगा और बीमार आने शुरू हो जाएंगे ये भी एक निशानी होती है कि जब एम्प्लॉय बार बार डिस्पेंसरी के विजिट करे बार बार मेडिसिन खाए

what I am trying to say here कि okay, you should have a system where everything should be addressed properly. और उसी के लिए ये सारा जो job evaluation system और compensation system आप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ रहे हैं ये इसी लिए है कि ताकि आप एक ऐसा system बना सकें अपने इदारों के अंदर अपने institution के अंदर जहाँ पर चीज़ें things should start working smoothly and you should all focus on your main work and start delivering For which you have been hired. What is compensation system then? This is a total reward system which include both what? Monetary and non-monetary compensation. three phases compensation management system. Okay. Phase one. You have to evaluate every job to ensure internal equity. बेस्ड ऑन ईस्ट जॉब रिलेटिव वर्थ ये सारा वैल्युएशन में हमने पढ़ा ना कि आप उसकी इक्विटी देखते हैं कि क्या जितनी वो आउटकम और जो इनपुट जो उनकी थी और आउटपुट जो थी उसकी जो रेशियो जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं अदर फैक्टर्स टू यस और उसकी वर्थ के मुकाबले में आप देखते हो कंपेयर करते हो कि क्या वाकई हर जॉब को आपने उसी तरह वैलुएट किया हुआ है ना सेकंड फेज इज टू कंडक्ट वेज एंड सैलरी सर्विस नॉट ओनली इंटरनल इक्विटी बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो एट पॉवर विद द मार्केट उसको एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं कि बाहर की जो आपकी सराउंडिंग में दूसरी कंपनीज है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसी तरह के जो काम लेर हो रहा है वहां वो क्या पे करते हैं क्योंकि आगे जाके हम एक स्टेज पर देखेंगे कि अगर आप उनसे डिफरेंट हैं तो फिर आप उसके फायदे भी है नुकसान भी है एंड थर्ड फेज इज प्राइस ईज ऑप टू डिटर्मन द रेट ऑफ द पे पेज अब आपने इंटरनल इक्विटी भी देख ली एक्सटर्नल इक्विटी भी देख ली उसके बेच पे फिर आप हर जॉब के लिए उसकी प्राइस डिटर्मन करते हो एंड आर द फेज ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम राइट वाई वी डू दिस थिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट वट इज द बॉटम लाइन वट आर द ऑब्जेक्टिव फन पार्ट आर जस्ट देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव ये देर ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉल बिग थ्री ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं वो स्टार्ट विद बिग थ्री एंड देन कॉन्सिक्वेंस दूसरों को भी देखते हैं और बिग थ्री क्या है अट्रैक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय एप्लीकेशन शुरू में भी शुरू के लेक्चर में हमने बड़ी दफा इसको डिस्कस किया एंड हाउ यू अट्रैक्ट जैसे मैंने अभी वो एक मॉडल बताया था आपको एच आर का कि अगर बाकी सारी चीजें कहां से रखी जाए लाइक एनवायरमेंट मेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो तो फिर सैलरी जो होती आपकी compensation है वह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा यार वेरी गुड पे मास्टर आई प्रेफर टू वर्क विद टीम तो पहला जो बिग थ्री में से पहला ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉपर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का है कि आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ अपने अदारे की तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दे शुड कम द क्वालिफाइड पीपल राइट कि वो आए और आपके साथ जॉब शुरू करें नंबर टू टू रिटेन खाली रिटेन नहीं है बल्कि उनको भी डिस्करेज करें कि जो क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि तो उनको पता है कि हमें तो आप इतनी सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि हमें तो कब वो अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो अगला इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा रिटेन क्वालिफाइड एम्प्लाइज वाइल डिस्करेजिंग रिटेंशन ऑफ लो परफॉर्मिंग पीपल इफ देर सम्मी वट यूल डू या तो आप उसकी सैलरी को वहां पर ब्लॉक कर देंगे या इवन समाइम दे रिड्यूस दैलरी किसी यू आर परफॉर्मेंस नॉट अप टू मार्क यू हैव टू गो डाउन तो दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट द बिग आउट ऑफ बिग दो थ्री एंड ऑफकोर्स द थर्ड वन इज टू मोटिवेट मोटिवेट किस तरह करते हैं वो ये है कि जब इट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड तो आप देखेंगे कि एक आपका साथी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसको बेहतर से बेहतर सैलरीज मिल रही हैं बाकी बेनिफिट मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे एक तरीका तो ये है कि आप कुर्ते रहे अपनी जगह पे नाराज होते हैं yes, दूसरा तरीका ये है कि यू शुड आल्सो वर्क हार्ड तो इसी तरह आर्ग्नाशन के अंदर दूसरे एम्प्लॉज के लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है वो देखते हैं कि नहीं यहां पे तो टाइम गुजारना नहीं है कि इतने साल होंगे तो फिर ये पैसे मिलेंगे इतने साल होंगे तो इतनी आपकी प्रमोशन होगी नो दैट इज वाई इंट्रोडेज इट इज परफॉर्मसपेस प्रमोशन परफॉर्मेंस स्पेस कंपनसेशन इट इज नॉट टाइम बार सम टाइम प्रीवियसली जो हम देखते थे कि साल गिने जाते थे कि इतने साल हो जाएंगे तो फिर ऑफ़ कोर्स दैट इज वन क्राइटेरिया कि दैट इज द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट वट अदर ऑब्जेक्टिव यू वांट टू मेक श्योर दैट इक्विटी हो रही है और उसी के बेस पे आप रिवार्ड डिजायर्ड बिहेवियर लेते हैं कि जब आपको पता है कि आप अच्छा काम करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं अच्छा करेंगे तो रिवार्ड रुक भी सकता है तो आप फिर अकॉर्डिंग टू डिजायर आप लोगों से काम भी ले सकते हैं एंड यू कैन रिड्यूस द कास्ट यू कैन कंट्रोल द कास्ट नाउ इट्स वेरी स्ट्रेन विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफकोर्स दिस कंपनसेशन मैनेजमेंट हाउ कैन यू रिड्यूस द कास्ट और हाउ यू हाउ कैन यू कंट्रोल द कास्ट एंड दिस इज़ ए इन डायरेक्ट वे वैसे तो कहा जाता है ना कि जितनी आप सैलरी अच्छी देंगे लोगों को कंपनसेट करेंगे अच्छा तो आपके तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो आपके तो कंट्रोल हो रही है कास्ट वो कैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे टर्न ओवर की यू नो एवरी थिंग कास्ट चू माने जब भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं सिलेक्शन होती है इंटरव्यूज होते हैं ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन होती है तो एवरीथिंग थिंग कास्ट यू मनी अब लोग अगर अच्छे नहीं मिल रहे आपके पास आपके पास से अच्छी सैलरी ना होने की वजह से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो क्या होगा कि टर्न ओवर रेट रे विल बी हाई ना वंस टर्न ओवर रेट इज हाई नेचुरली यू गोइंग टू हैव मोर एंड फ्रीक्वेंट इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस तो वो सारी कास्ट बढ़ती जाएगी अगर एक अच्छा सिस्टम है तो यू कैन कंट्रोल द कास्ट दैट इज वाई वी से दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑब्जेक्टिव राइट उसके बाद

तो अगर आपका अच्छा सिस्टम है प्रॉपर सिस्टम है तो आप वो रूल रेगुलेशन को भी अडॉप्ट उसको कंप्लाई कर रहे हैं ठीक है एंड यू शुड यू यूल ऑल्सो अदर ऑब्जेक्टिव इज टू फेसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट विद इन दग्नेशन क्रिएटिंग ए गुड कल्चर फेयर ट्रीटमेंट राइट एवरीबडी इज गेटिंग फेयर ट्रीटमेंट

कि भाई ये सिस्टम है इसके जरिए सबको मिलेगा तो एज ए मैनेजर देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज द थिंग्स नाउ लेट्स सी हाउ यू एस्टेब्लिश पे रेट्स ऑफकोर्स यू हैव ऑलरेडी डन दी अप्रेजल यू हैव ऑलरेडी डन दी दुएशन फिर भी कुछ स्टेजेस हैं कुछ स्टेप्स हैं जो पे डिटर्मिन करने के लिए आप करते हैं वो क्या है यू हैव टू कंडक्ट इस सर्वे कि वट अदर एम्प्लॉयज आर पेइंग फॉर कंपेरेबल जॉब्स बेंच मार्किंग भी हम कहते हैं कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि वो क्या कर रहे हैं फिर आप कमेटीज बनाते हैं जो डिटर्मन करती है वर्थ ऑफ ईच जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ़ कोर्स थ्रू जॉब वो जो मेथड जो जो आपने पहले लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं उसके जरिए वो वर्थ क्रिएट करते हैं वर्थ डिटर्मन करते हैं और दे विल देन क्लासीफाई देमिलर जॉब इन टू पे ग्रेड्स फिर मुख्तलिफ ग्रेड्स बनते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स को उन ग्रेडों की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है मैंने एक दो दफ़ा पहले भी ग्रेड का जिक्र किया सैलरी के रेंजेस बनाई जाती हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, मुख्ट, है जहाँ पर ग्रुप सिस्टम है लाइक ग्रुप वन टू फोर इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ग्रुप वन टू फोर वन टू सिक्स इन अदर प्लेसेस लेकिन पब्लिक सेक्टर में इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर वी हैव फ्रॉम वन टू ट्वेंटी टू ग्रेड्स जिसको बीपीएस भी बोलते हैं ऑफिसर ग्रेड्स होते हैं सिक्सटीन से ऊपर जाते हैं और ऑफिशियल बाकी जो है वन टू सिक्सटीन आते हैं और हर एक की एक रेंज होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर रखते हुए मुख्तलिफ स्टेजेस बताई जाती हैं जैसे हमने जाब वैल्यूशन के अंदर देखा था तो देट इज ग्रेडिंग सिस्टम राइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट देन यू है आपके पास एक आप इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम बने हुए आपके अंदर वो रेंज के अंदर आप फिक्स होते हैं लेट्स ये आप कहते हैं कि इस जॉब इस पोजिशन के लिए यू नीड ए मास्टर डिग्री होल्डर जिसके पास फर्स्ट क्लास मास्टर होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में उसको इस स्केल में लेंगे आप ठीक है ना उस स्केल में कुछ मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम लिमिट होती उसके है उसके दौरान मुख्तलिफ स्टेज आती हैं अब वो स्टेजे विद एक्सपीरियंस विद टाइम के साथ होता है कि आपने इतने साल कर लिया तो ये यहाँ स्केल पे आएंगे इतने साल की सर्विस होगी तो इतना आ जाएगा और प्लस परफॉर्मेंस पे भी बेस पे भी इंसेंटिव होते हैं आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है कोई जॉब है तो उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि यहाँ कहाँ पे फिट होते हैं कहां पे इसको आप फिक्स करेंगे पे पे फिक्स वी कॉल फिक्सेशन बेसिकली और फिर थोड़ा बहुत उसमें जो ट्यूनिंग करनी होती है एंड पे ताकि यू शुड कम अप विद ए गुड पे प्लान इस ग्राफिकली मैं आपको वही चीज बताता हूं कि देखें दो चीजें देखी हमने सैलरी और जॉब वैल्यूशन पॉइंट देखें आपने और इसके अंदर आपने देखा है कि अगर एक ब्लॉक को लें कि प्रे ग्रेड प्रेग्रेड विट्स जो होती है लेट्स लड़की के स्केल है उसका मिनिमम पाँच हज़ार शुरू होकर पैंतालीस हज़ार तक जाता है उसके मुख्तलिफ़ स्टेजेज आते हैं और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट होती हैं और फिर एक मिड पॉइंट भी आता है तो आपने उन अवेल्यूशन पॉइंट के मुताबिक फिर देखना है कि सैलरी किस जगह फिक्स होती है पे कहाँ पर फिक्स होती है। वट डिटर्मिन हाउ मच यू पे क्या कोई और भी एक तो ये तरीका हो गया ना कि आपने देखा कि आपके एक सिस्टम ने डिसाइड किया कि पे क्या होनी चाहिए उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए बट देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स टू विच कैन इफेक्ट दैट हाउ मच यू शुड बी पे और हाउ मच द अदर पर्सन शुड बी गेटिंग वट आर दो फैक्टर्स ऑफकोर्स प्रिवेलिंग वेजिस इस वक्त जो मार्केट रेट है दैट इज वन पैरामीटर और वन फोर्स दैट आप उसको कहेंगे कि यही तो इस वक्त मार्केट में सबको इस स्टेज पर यह मिल रहा है हमें भी इसको ये देना चाहिए अबिलिटी टू पे समाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सम ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव ऑन बोथ साइड दे के नट पे दैट मच और दे केन इवन पे मोर वो अपने से जब इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं भाई देखें इस वक्त तो क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन बन रहा है हमारा इदारा बन रहा है इस वक्त तो हम आपको ये पे कर सकते हैं आर इवन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन दे के ओके ऑफकोर्स दिस इज द मार्केट वैल्यू दिस इज द मार्केट प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड इन द मार्केट बट वी आर विलिंग टू पे यू दिस एक्स्ट्रा दैट डिपेंड ऑन दबिलिटी टू पे फ्रॉम द इम्प्लायर साइड कास्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वन रेफरेंस पॉइंट इंडिकेटर कि आपको अब जब देखते हैं कि एक शहर में शहरों में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें वहाँ पे सैलरीज के लेवल थोड़े से डिफरेंट है एंड इवन इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एक किसी कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट है उनकी कास्ट ऑफ लिविंग कम है वहाँ तो कम सैलरी पर भी बात वही बनेगी बनस्पत किसी दूसरी कंट्री के अंदर इसी तरह एक विद इन वन कंट्री इफ यू आर लिविंग इन ए कंट्री साइड और किसी बड़े शहर शहर में जाके रहते हैं तो ऑफकोर्स वो फ़र्क है उस फर्क को भी इंस्टीट्यूशन जो अदारे हैं उसको उस कंपनसेशन प्लान में इनकारपोरेट करते हैं जब वो डिटरमिन करते हैं कि कितनी इसकी सैलरी होनी चाहिए कितने इसके बेनिफिट्स होने चाहिए प्रोडक्टिविटी येस पीस पर पीस में एक वर्क पे जो आपको बताया था कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतने अच्छे आपको मिलेगा तो देट इज़ आल्सो वन इंडिकेटर वन पैरामीटर फॉर डिटर्मिन दैलरी बार्गेनिक पावर वेरी इंपॉर्टेंट टू हुज़ बार्गेनिक पावर इफ द बार्गेनिक पावर इज इन दैंड ऑफ द एम्प्लॉइज देन ऑफकोर्स

लेकिन इफ द थिंग्स इज आर इन अदर वे सप्लाई ज्यादा है लोग मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं जॉब नहीं मिल रही सो देन इट इज एम्प्लॉयर हु विल डिसाइड कि नहीं जी हम तो ये पे कर सकते हैं आपने आना ठीक है, है वरना थैंक यू वेरी मच सो बार्गेनिंग पावर इज आल्सो प्लेइंग वेरी वाइट रोल वेन डिसाइडिंग हाउ मच टू पे वट एल्स जॉब रिक्वायरमेंट समाइम सटन जॉब है डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स उसके लिए जो बेनिफिट्स या आपके एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव जो होंगे वो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस टोटल कंपनसेशन में वो चीज़ें भी आएँगी आपने लोगों को रखा है तो उनको इवनिंग पे भी रात को भी आपको उनका स्टे चाहिए एट वर्क तो फिर आपने उनको स्टे के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी क्योंकि दैट विल बिकम द रिक्वायरमेंट अब आपको जो ट्वेंटी फोर आवर उनको वर्क पे आपको चाहिए तो साथ में स्टे के लिए भी आपने उनको फैसिलिटेट करना है एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट लाज आर देयर कि वो भी आपको गाइड करते हैं कि आपने सैलरीज के अंदर पे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी और एटलीस्ट इतना तो होना है इस स्टेज के ऊपर मिनिमम सैलरी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको मीट करना पड़ता है एंड कोर्स इक्विटी फैक्टर्स हमने इक्विटी को बड़ी दफा जिक्र किया तो आई थर्ट वायन वी गो एंड हैव मोर डिटेल अबाउट द इक्विटी थोड़ा सा इक्विटी को समझते हैं तो यहां तक तो बात समझ आ गई आपको कि कौन से फैक्टर है जो डिटर्मन करते हैं कि सैलरी क्या होनी चाहिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विटी इक्विटी परसेप्शन की जब हम बात करते हैं दिस इज आउटकम ओवर इनपुट किसी की भी जब आप इसको कंपेयर करते हैं अपने से दूसरे के साथ लेटैकिंग अबाउट द इक्विटी अगर आप समझते हैं कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे से बेहतर है तो फिर आप इक्विटी तो नहीं फिर दोनों को उसी हिसाब से कंपनसेट भी होना चाहिए ना इक्विटी थ्योरी क्या बताती है आपको उसकी क्या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब क्या करती है इट इज सेट दैट पे शुड बी बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन मेड बाई हायर एफर्ट शुड बी रिवार विद हायर पे और हायर बेनिफिट्स तो इसकी एप्लीकेशन कंपनसेशन में कहां आती है पे शुड बी टाइट

सैलरी से, की बात करते हैं परफॉर्मेंस से हट के अगर आउटपुट और इनपुट की जो उसका जितना वो एफर्ट कर रहा है उसके बदले में उसको जो मिल रहा है वो दूसरा उसी के मुकाबले में जो है उससे कम मिल रहा है तो इसको हम अंडर पेड या अंडर रिवार्डेड पर्सन कहेंगे अगर बराबर है तो इक्विटी है बराबर है और अगर पर्सन ए का जो रिटर्न है रिवार्ड है उसकी एफर्ट के मुताबिक ज़्यादा मिलता है बनस्पत उसी तरह के दूसरे से इट इज़ ओवर रिवॉर्डेड तो ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं जब हम इक्विटी की बात करते हैं अंडर रिवार भी हो सकता है ओवर रिवारेड भी हो सकता है और इक्विटी भी बराबर भी एट पार भी हो सकता है तो पे इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोशिश क्या करनी होती है कि यू हैव टू कीप द बैलेंस एंड दिस इज नॉट ओनली द इक्विटी इन साइड ऑर्गेनाइजेशन बट ऑफकोर्स यू हैव टू ऑल्सो कंपेयर विद द द आउटसाइड मार्केट तो इस सारे को हमने बैलेंस रखना होता है अदरवाइज देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस

डिसएडवांटेजेस। तो पहली एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन यू आर पेइंग अबाउ द मार्केट रेट तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? इफ यू पेइंग मोर देन मार्केट इज पेइंग ऑफकोर्स यूल अट्रैक्ट बेटर एंप्लाइज हर एक की कोशिश होगी कि आपके इदारे में आए और जो आपके अमूमन ये होता है कि लोग टर्नओवर ओवर रेट भी हाई होता रहता है खुद अपनी मजीद लोग खूब तरस खूब से खूब तर की तलाश के लिए निकल जाते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएगा और आपका जो स्पोर्टिंग कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी स्ट्रांग हो जाएगा सो वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन एडवांटेजेस, अगर आप मार्केट से ज्यादा पे करें लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी, भी हैं वो क्या हैं कि आपकी कास्ट बढ़ जाएगी और दूसरा एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट डेवलप हो जाएगी आपके लोगों के यस वी डिजर्व इट तो मोटिवेशन फैक्टर उनके पास कम हो जाएगा मे बी फॉर लॉन्ग टर्म की बात जब करते हैं एंड इफ़ यू आर पेइंग एट द मार्केट रेट एट पार विद द मार्केट रेट उसके क्या एडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस ये हैं हायर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट मिड रेंज ऑफ मार्केट ड्रेवन्स कंपनसेशन कास्ट जब सब जगह एक जैसा पे हो रहा है तो फिर आपके पास भी अच्छे लोग रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगे रीजनेबल पे स्ट्रक्चर पर आपके पास भी आएंगे क्योंकि हर जगह यही ऑफर हो रहा है एंड इफ यू कैन हैव अदर थिंग बेटर लेकिन उसके डिसडवाटेजेस क्या है अब आपके पास अच्छे लोग क्यों आए बिकॉज दे आर ऑल्सो दे नो देट इफ देम टू यू दे विल गेट द सेम मनीम पीपल वेयर दे आर ऑलरेडी वर्क तो वो अट्रैक्शन जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो कम हो जाएगी आपकी तरफ टर्न ओवर विल वी वेरी विद लेबर डिमांड ऑफ एंड कंपीटिंग फार्म अब जो टर्न ओवर रेट होगा वो डिमांड सप्लाई की रिलेशनशिप देखते हुए जो कंपीटिंग फर्म होगी उस पर डिपेंड करेगा नाउ इफ यू आर पेइंग बिलो द मार्केट रेट सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एडवांटेज कोर्स यू विल फील दैट आप पैसे बचा रहे हैं कास्ट आपकी कम है एंड लेकिन उसी जगह पर उसको फायदा आपका हो सकता है जहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है मार्केट में लेबर अवेलेबल है ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आप ये कर सकते हैं आपको फायदा भी इसका होगा बट यू कैन हैव डिसएडवांटेजेस मोर देन एडवांटेजेस वो क्या है आपके पास क्वालिटी काम अच्छी लोग नहीं आएंगे आपके पास द क्वालिटी ऑफ योर वर्क फोर्स विल बी लेस और जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों की कम से कम होगी जब चांस मिलेगा निकल जाएंगे यहां से और इसी वजह से आपका टर्न ओवर रेट हाई हो जाएगा सो आर सर्टन कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फेयर पे स्ट्रक्चर के लिए जिसे कहते हैं वो क्या है आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के तहत हर एक को एक जैसा डील किया जाना चाहिए एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस जो है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए व्हाट मार्केट इंडिकेटर्स आर टेलिंग यू एंड और एंप्लॉइज की कंट्रीब्यूशन कैसी है उसको पार्टिसिपेट कराना चाहिए उस डिसीजन में तो ये चीजें फिर बताएंगे आपको कि आपका पे स्ट्रक्चर या कंपनसेशन फेयर है कि नहीं लेट्स सी व्हाट आर द रोल्स द लाइन मैनेजर दे आर पेइंग इन द कंपनसेशन इश्यूज कॉम्पनसेशन इशूजेशन ऑफ द फोर्स लाइन मैनेजर जो होते हैं जो मेन बास होते हैं दे वैल्यूएट द वर्थ ऑफ द जॉब्स ऑफकोर्स दे गेट द हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो क्या होता है कि लाइन मैनेजर जो है एवेलुएट करते हैं उस वर्थ ऑफ जॉब को और एच आर डिपार्टमेंट विल हेल्प देम एंड टाइम अंडर सर्कम सर्टन सर्कमस्टांसेस दे माइट हैव एंड दे हैव द राइट टू गो फॉर हायर साइड आर इवन लोअर साइड तो लाइन मैनेजर के काम में पहला काम क्या है कि दे देवेलुएट द वर्थ ऑफ द जॉब ठीक है उसके अलावा दे निगोशियट द स्टार्टिंग सैलरीज एज ए सट के दे कैन निगोशियेट देर उनके पास वो रेंज होती है उसके दौरान सिचुएशन के मुताबिक वर्थ ऑफ दैट पर्सन हु इज स्टार्टिंग द जॉब या सिचुएशन के मुताबिक इवन रिक्वायरमेंट के मुताबिक अर्जेंसी है इट इज नॉर्मल थिंग तो वो उस पर भी निगोशिएट करते हैं एंड देन रिकमेंड द पे रेजिज एंड प्रमोशंस इवन फ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजर कि इनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए इनकी इधर रहनी चाहिए इनको प्रमोट करना चाहिए इनको इसी पर रिटेन करना चाहिए इवन डिमोट भी रिकमेंड कर सकते हैं एंड देन नोटिफाई एच आर डिपार्टमेंट ऑफ दॉब चेंजेस इफ दे वॉन्ट टू चेंज समी फ्रॉम वन प्लेस टू नदर प्लेस वन स्केल टू अनादर स्केल तो ये भी लाइन मैनेजर का काम है वट अबाउट द एच आर डिपार्टमेंट वट

इतनी सैलरी होनी चाहिए दे एस्टैब्लिश द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एडमिनिस्ट्रिंग दी पे प्लान को एडमिनिस्टर करेंगे आप देश्योर कंप्लाइंस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज दे मेक्योर देट अगेंस्ट ला तो बात नहीं हो रही गवर्नमेंट ने अगर ये रूल बताएं आपको कि इससे आगे पीछे इससे कम नहीं होना तो कहीं उससे कम तो नहीं हो रहा या डिस्क्रिमिनेट तो नहीं हो रहा किसी बेस पे जेंडर बेस पे और एनी बेसिस बिकॉज अदरवाइज दे हैव टू फेस द म्यूजिक एंड देन दे आल्सो कम्युनिकेट द बेनिफिट्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉइज एंड ऑफकोर्स दो कंसर्न डिपार्टमेंट्स आई अकाउंट डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि जी ये अब नेक्स्ट सैलरी इनको ये पे करनी है आप आई थिंक एनफ ऑफ द कंपनसेशन लेट सी बट वी हैव कवर सो फार इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट विद द कम्पनसेशन सिस्टम एंड इन कम्पनसेशन टोटल कम्पनसेशन सिस्टम वी डिस्कस दू टाइप ऑफ कम्पनसेशन देट्रेंसिक एट एक्सटेंसिंग रिवार्ड सिस्टम और एक्सटेंसिक में हमने फिर देखा कि दो किस्म डायरेक्ट फाइनेंशियल मॉनिटरी रिवार्ड जिन्हें कहते हैं एंड द सेकेंड इज दिनिफिट और इंटरेंसिक में हमने देखा कि रिकग्निशन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हैं

What other factor determined how much you should be paying? Ki aapke paas bargaining power kiske paas? Aap company? Kitna pay kar hai? Government rule regulation, ke and so on. So I believe this is clear now, but we are not done with the compensation because we are still left with the other incentives and benefits. So our next topic should be benefits and other incentives. Let's stop it here.

दोबारा देखिए तो दोबारा बार बार देखिए कि क्या चीज़ क्या कुछ सही का है क्या कंफ्यूजिंग है इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर कम बैक टू अस हेल्प यू विद दिस बिलीव दैट यू विल डू योर जॉब थैंक यू वेरी मच एंड कीप हार्ड वर्किंग अल्लाह हाफिज़ वालेकुम